ईडी दफ्तर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ ये सीधी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहूंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि इस वक्त ईडी के लॉकअप में मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से पूछताछ को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से सवाल जवाब शुरू हो गए हैं। ये वही जगह है जहां से अब से थोड़ी देर पहले आपको बता दें डॉक्टर्स की टीम बकायदा अरविंद केजरीवाल को एग्जामिन करने के लिए पहुंची थी और फिलहाल वो टीम भी अब यहां से रवाना हो चुकी है। तो ईडी दफ्तर के बाहर जिस तरीके से दूसरे गेट की तरफ से बड़ी सिक्योरिटी नजर आ रही है, वहीं आपको बता दें कि अलग अलग प्रिमाइसेस में जिस तरीके से टीम्स आ रही हैं, बड़ी खबर थोड़ी देर पहले पहुंची डॉक्टर्स की टीम अब ईडी दफ्तर से निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है, यानी अरविंद केजरीवाल को मेडिकली एक बार फिर से एग्जामिन किया जा चुका है। और सबसे बड़ी खबर और लेटेस्ट न्यूज इस वक्त की यह है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल से किए जा रहे हैं सवाल जवाब, पूछताछ शुरू हो चुकी है। शिवांग का मैं रुख करना चाहूंगी जो कि अरविंद केजरीवाल के घर पर मौजूद है, और घर पर इस वक्त बड़ी खबर शिवांग यही थी कि राहुल गांधी भी उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर सकते हैं। अभी तक सिर्फ बात हुई थी, अब मुलाकात। देखिए, मैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद हूं। जो दो रास्ते केजरीवाल के घर की तरफ जाते हैं वो दोनों ही रास्तों को बंद रखा गया है सुरक्षा कारणों से, और आसपास के जो पड़ोसी हैं जो मुख्यमंत्री आवास के पास में रहते हैं, उन तमाम लोगों के आई कार्ड चेक करने के बाद या जो यहाँ कार्य करने के लिए आते हैं उनको यहाँ अंदर भेजा जा रहा है। परिवार जो है अरविंद केजरीवाल का, चाहे वो उनके माता पिता हों या बच्चे या वाइफ हों, वो तमाम लोग अभी घर के अंदर मौजूद हैं। बीती रात हमने देखा था कि संजय सिंह की पत्नी भी कल मिलने के लिए आई थी, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। आज भी हो सकता है कि कई विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के घर सहानुभूति जताने के लिए यहाँ पे आएँ। जिस तरीके का समर्थन हमने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा है, और खुद कांग्रेस पार्टी का एक डेलीगेशन रात को यहाँ आया था जिसको अंदर जाने नहीं दिया गया। फिलहाल यहाँ जो मामला है वो इस तरीके का नज़र आता है कि फिलहाल यहाँ एक शांति है, लेकिन क्योंकि 10 बजे का समय निर्धारित किया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा, और देशव्यापी प्रोटेस्ट जो है वो बुलाया गया है, तो हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ लोग सीएम ऑफिस से निकल के आम आदमी पार्टी ऑफिस की ओर रवाना होंगे। साथ साथ परिवार से मिलने के लिए भी आज दिन भर जो है वो बड़े बड़े राजनीतिक दलों के जो बड़े नेता हैं उनका तांता यहाँ पे लगने की उम्मीद जताई जा रही है। राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, शरद पवार हों या दूसरी पार्टियों के नेता हों, तमाम लोग, या सीताराम येचुरी क्यों ना हों, तमाम लोग अरविंद केजरीवाल को समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, इस लड़ाई को लड़ेंगे। इस देश में अंग्रेजों ने भी इस देश के लोगों को गुलाम बनाने के लिए बंदूक के दम पर चप्पे चप्पे पे जो है इस देश को रोका था, लेकिन लोग लड़े। जितना ही ये दमन करेंगे उतना ही मजबूती के साथ इस देश में करोड़ों लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। क्या कह रहे हैं भाई? सर, क्या कारण बता रहे हैं? आपको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? गोपाल साहब, तो उनसे पूछो ना पुलिस से। पर जिस तरीके से आप तानाशाही की लगातार